हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर इस वीडियो के अंदर में। तो फ्रेंड्स, मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स होगी उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में दोनों ही जगह मिलने वाली है, जहाँ से आप कर सकते हो टेलीग्राम को ज्वाइन। ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, जो बहुत सारी मार्केट में इंस्टेंट अपडेट आती है, आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर भी अपडेट होते हुए देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। और पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसका रीज़न यही था कि मेरी तबीयत जो थी अच्छी नहीं थी, मेरी तबीयत खराब चल रही थी, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर देखो, रिपोर्ट की माने तो 4 बिलियन जो आपको लगभग डॉलर में बिटकॉइन माइनिंग लोन्स जो है वो यहाँ पे बोला जाए इन डिस्ट्रेस, मतलब जो एक स्ट्रेस है, एक जो तनाव है लोन का, जो कि बिटकॉइन माइनिंग के सेक्टर में वो बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से BTC में लेंडिंग का एक जो सिलसिला है जो कि चलता है, वो यहाँ पर उसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अब बोला जा रहा है, जो JP Morgan एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जो प्राइस प्रेशर है स्टिम्स फ्रॉम माइनर सेल्स, जो माइनर की साइड से जो सेल हो रही है उस कारण से जो प्राइस प्रेशर है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तनावपूर्ण स्थिति बनते हुए देखने को मिली है BTC के लोन के साइड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब देखो तो बोला जा रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड लेंडिंग होती है वो क्या हो चुका है, तो एक काला धब्बा बन चुका है इंडस्ट्री के लिए। किस इंडस्ट्री के लिए? तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। दिस डेज एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट, मतलब अभी के फिलहाल के दिनों में और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि अभी आया है उसके अनुसार में, जो बिटकॉइन की अभी लो प्राइस चल रही है फिलहाल के टाइम पे, उसने क्या किया है, तो बिलियंस जो माइनिंग में लोन्स है उसको एक तनावपूर्ण स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। तो मिला जुला के जो बातें थी वो मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आई है। तो यहाँ पर देखो, ये जो रिपोर्ट के मुताबिक बोले तो ये सारी बातें, जो को फाउंडर है आपको माइनिंग कंपनी, आपको इसकी जो प्रोनाउंसिएशन हो सकती है गड़बड़ हो, लुगजर हो या लग्जर हो, इस ये जो टेक्नोलॉजी है इसके जो को फाउंडर है उन्होंने ये सारी बातें बताई है कि करीब करीब रफली अगर हम लोग एक राउंड फिगर में बात करें तो $4 बिलियन की जो लोन है जो कि क्रिप्टो माइनिंग को एक तरह से मतलब उसके सेक्टर में ली गई है या उस सेक्टर में रहती है, वो अब तनावपूर्ण स्थिति में आते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरह से BTC की प्राइस अभी काफ़ी निम्न स्तर पर देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं अभी आपको और बताना चाहूँगा इसी के साथ साथ, कि अभी अगर आप वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की रिपोर्ट देखो, मतलब बहुत सारे मेजर कंट्रीज़ की रिपोर्ट देखो, कुछ छोटे कंट्रीज़ की रिपोर्ट देखो, वेस्टर्न कंट्रीज़ की रिपोर्ट देखो, तो इन्फ्लेशन का जो रेट है एक कंट्री में नहीं, बहुत सारे कंट्री में इन्फ्लेशन जो बढ़ा हुआ है उस कारण से बहुत सारी दिक्कत आई हुई है। इन्फ्लेशन का एक रेट होता है जो कि बैलेंस करके रखा जाता है हर कंट्री का, इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन रहता है जिसको एक बैलेंस वे में रखा जाता है, ताकि जो महंगाई एक है और एक जो आम लोगों की जो पॉकेट का लेवल है वो एक मैचअप हो सके और अच्छे से जो ज़िंदगी है सबकी अच्छे से गुजर सके, कट सके। तो फ्रेंड्स, इस कारण से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस कारण से आपको अमेरिका के अंदर में बहुत सारी दिक्कतें आई है, और उसका उस कारण से उसका जो इम्पैक्ट है अमेरिका के लोगों पे तो पड़ ही रहा है, इकोनॉमी जो है अदर कंट्रीज़ की वहाँ पर भी पड़ रहा है, और बहुत जगह भी आपको इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो उसके बारे में मैं यहाँ पर अभी नहीं बता सकता, उसके बारे में थोड़ा सा आप स्टडी करो, मैंने बस एक हिंट दिया कि इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस कारण से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है अभी तक लगातार डाउन जा रहा है और अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रहा है। और यहाँ तक कि जो शेयर मार्केट है अलग अलग अपनी अपनी कंट्रीज़ की, वहाँ पर भी अगर आप देखो तो मार्केट बहुत अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक लंबे टाइम का ग्राफ देखो तो उसमें ज़्यादातर आपको 1 डे की अगर ग्राफ देखो तो रेड सिग्नल में देखने को मिलेगी, मतलब कभी कभार ही मार्केट ग्रीन में खुलता है, नहीं तो ज़्यादातर मार्केट रेड में ही रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है डायरेक्ट मैंने इसकी जो ग्राफ है उसी को ओपन कर दिया ताकि आपका मेरा सबका टाइम बच सके। तो ये फ्रेंड्स डॉज कॉइन की ग्राफ है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, मतलब जूम मतलब इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आप इसको देख सको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखो ऊपर में डॉज है और ये 1 डे की कैंडल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लगभग 20 डे की अगर हम लोग बात करें, जो लगातार एक एक कैंडल जो यहाँ पे देखने को मिल रही है रेड ग्रीन, ये सभी एक दिन की जो प्राइस के मूवमेंट होती है या प्राइस का जो सिचुएशन होता है उसको बताता है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये जो आपको लाइन है इसको टच करते हुए देखने को मिल रहा है, ये आपको कल की मतलब ग्राफ है, मतलब कल के दिन की यहाँ पर बताई जा रही है। तो पिछले 20 दिन की बात करें तो 20 दिन में इसने हाई को अपने टच किया, पिछले 20 दिन की बात करें तो डॉज कॉइन ने अपने हाई के करीब आने की कोशिश की है। वहीं थोड़ा सा हम लोग नीचे आए तो नीचे में ट्रॉन की ग्राफ मतलब TRX की ग्राफ को देखने को मिलेगा। यहां पर भी इसकी बात करें पिछले कुछ दिनों के परफॉर्मेंस की, तो फ्रेंड्स यहां पर देखो, यहां से ड्रॉपआउट हुआ था और फिर यहां पर इस लेवल पर यह देखने को कल के दिन मिला था। आज तो आपको पता है मार्केट सुबह में मैंने बताया था कंडीशन, मार्केट जो था रेड में देखने को मिला था, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज के ऊपर, तो आप यहां पर देखो बोला जा रहा है हाउ पियोनेक्स ट्रेडिंग बॉट, पियोनेक्स की जो ट्रेडिंग बॉट है वो कैसे आपको जो है
मैनेज करने में मदद कर सकती है, किस चीज़ को, तो रिस्क को मैनेज करने में मदद कर सकती है इसकी जो बॉट जो टूल है वो। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरह से लास्ट मंथ की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी रोलर कोस्टर, मतलब आपको जो मार्केट का सिनेरियो बना पड़ा है जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट अभी एक तरह से रिस्क फैक्टर क्रिएट किए हुए है या फिर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी जो है क्रिप्टो सेक्टर की लो चल रही है। यहाँ पर बिल गेट्स ने भी जैसा कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है या जो थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है, तो ये फुल थ्योरी है BTC के बारे में या क्रिप्टो के बारे में बोला जाए तो। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो मार्केट है वो करीबन $1 trillion जो है लॉस किया है नवंबर से लेके अगर अभी तक की बात करें, और आगे और भी जो डैमेज है मतलब और भी जो मार्केट की कंडीशन है इससे भी बद से बदतर होते हुए देखने को मिल सकती है जैसा कि कुछ आकलन किया जा रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंक्लूडिंग सेल्सियस जो है उसने क्या किया था, विड्रॉल पॉज किया। तो जैसे आपको पता है बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं अलग अलग कंट्रीज में या बहुत सारे जगहों पे कि विड्रॉल और डिपॉजिट पॉज चल रही है कहीं पे, मतलब विड्रॉल की प्रॉब्लम चल रही है, तो इस तरह से चीज़ें जो देखने को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फाइनेंस सेक्टर है वो सफ़र करते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसी के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन सभी कारणों के वजह से जो ज़्यादातर इन्वेस्टर है वो क्या है, तो अनसर्टिनिटी से घिरे हुए पाए जा रहे हैं। और एंजाइटी का मतलब आप ये समझ लो किसी चीज़ का फियर जो होता है, डर होता है, तो क्रिप्टो सेक्टर के इस हाल के कारण एंजाइटी किस चीज़ को लेकर होगी, तो अपने बड़े बड़े अमाउंट जो क्रिप्टो मार्केट में जिन्होंने लगा कर रखा है उनको अपने उस पैसों का डूब जाने का, लॉस हो जाने का जो रिस्क है या जो डर है उस कारण से एंजाइटी जो है फेस करने को मिल रही है। तो यहाँ पर अब ये जो पियोनिक्स ट्रस्टवर्दी क्रिप्टो ट्रेडिंग जो बॉट है, यहाँ पर आप ध्यान देना, जो बॉट है वो इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा क्रिप्टो स्टॉर्म के बीच में जो अभी का सिनेरियो बना है। तो फ्रेंड्स इसी के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है जिसको मैं शॉर्ट कट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो कि आपको समझ में भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि पियोनिक्स जो बॉट है ये क्या करेगा, तो इमोशन को बाहर कर देगा अपने इक्वेशन से। साथ ही साथ अब इसके नीचे में इसी चीज़ को डिटेल्स में यहाँ पे समझाया गया जिसे हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, अब बोला जा रहा है कि जो ट्रेडिंग बॉट है आपको हेल्प करेगा आपके इन्वेस्टमेंट प्लान को मेंटेन करने में। अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जो मार्केट है स्पेशली आपको पता है 24/7, मतलब किसी दिन मार्केट बंद होता ही नहीं है क्रिप्टो मार्केट। अदर जो शेयर मार्केट है वहाँ पर आपको शनिवार संडे को छुट्टी रहती है, इंडिया के जो शेयर मार्केट है वहाँ पर उस, और हर दिन जो रहता है मार्केट आपको 9 से लेकर 4, 5, 3 बजे तक इस तरह से मार्केट ओपन रहता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी 24 आवर सातों के सातों दिन चलता है। तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट प्लान को ये मेंटेन करने में मदद करेगा ये जो आपको बॉट है पियोनिक्स का। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि पियोनिक्स आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी जो ज़िंदगी है अच्छे से जिए, ये चिंता ना करते हुए कि मैटर क्या कर रहा है मार्केट में, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इस बॉट को डिज़ाइन किया गया है कि ये आपके इमोशन को आउट करेगा, आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में हेल्प करेगा, आपको आपकी अपनी ज़िंदगी को जीने में मदद करेगा, कि मतलब आपको एक तरह से रिस्क फ्री टेंशन फ्री बनाएगा। और पूरी डिटेल बकायदा इस रिपोर्ट में इसके बारे में बताया गया है, जिसे अगर आपको पढ़ना हो तो आप जाके गूगल कर लेना, टॉपिक मैंने बता दिया है आपको, ये जो न्यूज है इजीली मिल जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो ये फ्रेंड्स आपको रसिया से देखने को मिल रही है, मतलब रसिया से रिलेटेड देखने को मिल रही है। रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि रसिया ने क्या किया था, डिफॉल्ट किया है किस चीज़ को लेकर, तो जो फॉरेन डेब्ट होता है मतलब जो विदेशी ऋण होती है उस चीज़ को, एक सेंचुरी की अगर बात करें, एक सदी की बात करें, तो उसमें पहली बार इसने उस रकम को चुकाने में चूक कर दी है, गलती कर दी है या फिर नहीं चुकाया है, इस तरह से जो यहाँ पे सेंस से वो निकल कर आ रहा है। जबकि क्रेमलिन जो है उसने इस बात से नकारा है, मतलब डिसएग्री किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारी फॉरेन ऋण है मतलब डेब्ट है उसे हम लोगों ने पे कर रखा है। जबकि दावा किया जा रहा है कि रसिया ने एक सदी में पहली बार जो अपना फॉरेन ऋण है उसको जो है चुकाया नहीं है, उसको जमा नहीं किया है, और इनका दावा करना है कि नहीं हमने ऐसा किया है। तो चलो फ्रेंड्स इसी के ऊपर ये रिपोर्ट है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इन शख्स को आप पहचानते होंगे जो पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब नीचे आगे फटाफट से इसे कवर करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, रिपोर्ट के मुताबिक बात करें जो रशियन फेडरेशन है, मतलब कि वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर बोला जा रहा है इन्होंने क्या किया, डिफॉल्ट किया है, मतलब वही पैसे जमा करने में चूक की है फॉरेन डेब्ट को। पहली बार 1918 से लेकर अगर 2022 तक बात करें तो ये पहली बार इनसे इस तरह की हरकत देखने को मिली है या इस तरह से चीज़ें हुई है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो बॉन्ड होल्डर्स हैं टोल्ड द प्रेशर डेट दे हैड नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री। अब इन्होंने बोला जो बॉन्ड होल्डर्स हैं कि उनको
सॉरी यहाँ पे मैंने प्रेशर शायद पढ़ दिया था शायद गलती से, प्रेस से उन्होंने ये चीज़ें बताई है कि उनको पेमेंट जो है रिसीव नहीं हुआ है। हाउ एवर जबकि रसिया के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने साफ साफ नकारा है, डिनाई किया है कि नहीं हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं या हमारे ऊपर जो ये बातें कही जा रही है ऐसा कुछ नहीं है। इनका कहना है कि कंट्री ने जो पेमेंट है वो किया है, किसके थ्रू, तो यूरो क्लियर मॉनेटरी जो सिस्टम है उसके थ्रू जो पेमेंट है वो कर दी गई है। तो इस तरह से बातें जो है फ्रेंड्स निकल कर आ रही है, अब सच्चाई क्या है वो फिलहाल नहीं पता। अब यहाँ पे अब देखो तो इस चीज़ को मैं करता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट, इसी चीज़ को जस्ट ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था, नीचे में अब इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है जिसे हम लोग पढ़ सकते हैं। बट जैसा कि आपको पता है मैं एक वीडियो में कई सारे न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करता हूँ जिस कारण से ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा पाता हूँ, और अगर डिटेल में जाऊँगा तो फिर एक न्यूज़ एक वीडियो में कवर हो पाएगी। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें अभी इस वाले अपडेट के ऊपर, तो अब यहाँ पे आप देखो जो न्यू एमिनेम एंड स्नूप डॉग सॉरी डॉज म्यूजिक वीडियो है उन्होंने शोकेस किया है किस चीज़ को, तो BA अवतार को, मतलब बोर्ड ऐप अवतार को। तो फ्रेंड्स देख लो दोनों ही सिंगर को यहाँ पर दिखाया गया है। नीचे थोड़ा सा आते हैं तो देखो बोला जा रहा है जो प्रमुख रैप स्टार एमिनेम और स्नूप डॉज है इन्होंने साथ मिलकर क्या किया है, तो रिलीज किया है एक नए म्यूजिक वीडियो को जो कि शो करेगा BAYC NFT कलेक्शंस को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये डुओ लेटेस्ट सिंगल है इसको क्या बोला जाएगा, तो फ्रॉम द D2 द LBC बोला जाएगा। इसको डेब्यूटेड किया गया है इस ईयर के ऐप फेस्ट में जो कि एक एनुअल गैदरिंग थी किस चीज़ की, तो BAYC और म्यूटेंट ऐप याच क्लब जो ऑनर्स है उनको इंक्लूड करते हुए इस तरह की गैदरिंग जो है की गई थी और इस तरह से चीज़ें जो है हुई हैं। तो फ्रेंड्स इसी के बारे में हम नीचे में यहाँ पर बातें जो है देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वीडियो है अभी तक मतलब इस न्यूज़ इस रिपोर्ट को लिखते टाइम पर 8.85 मिलियन व्यूज जो है कलेक्ट कर लिया था। कौन सा, तो नया वीडियो जो इनका जो पब्लिश हुआ है जो कि अभी फिलहाल ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब के ऊपर में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर ये जो आपको NFT रिलेटेड जो बातें की जा रही है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लो एक पिक्चर यहाँ पे शेयर किया गया है जो कि BAYC का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बातें मतलब समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो ऐप क्वाइन है वो डाउन है लगभग 80% अपने ATS से, जबकि BAYC NFT स्टिल कमांड द टॉप फ्लोर वैल्यू। मतलब एप क्वाइन 82% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन चल रहा है, जैसा कि कोई ये नया बात नहीं है क्योंकि अभी क्रिप्टो मार्केट के में अगर आप एंट्री करो तो वहाँ पर जो भी मेजर क्रिप्टो क्वाइन है वो सभी 70% 80% कुछ तो 90% अपने ATS से, कुछ 50% कुछ 60% सभी के सभी डाउन चल रहे हैं। और यहाँ पे BAYC हमेशा की तरह अभी भी एक नंबर की कंडीशन मतलब सॉरी पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है अपना NFT के दुनिया में। तो चलो फ्रेंड्स लगभग जो भी बड़ी अपडेट्स थी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो फटाफट से, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।